गुड मॉर्निंग, माई सेल्फ अपूर्वा वाजपेयी फ्रॉम सिविल डिपार्टमेंट। और आज का जो हमारा टॉपिक है, सब्जेक्ट ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग 2 से सेमेस्टर 5 के लिए आगे का हम पार्ट देखेंगे, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ रेलवे ट्रांसपोर्टेशन, रेल ट्रांसपोर्टेशन। क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं रेल ट्रांसपोर्टेशन के? तो पहला कैरेक्टरिस्टिक्स ये है कि पब्लिक यूटिलिटी सर्विस जो है वो प्रोवाइड करता है, दूसरा मोनोपोली। ठीक है, तो पहले हम देखते हैं पब्लिक यूटिलिटी सर्विस। रेलवे प्रोवाइड्स एन एसेंशियल सर्विस टू द पब्लिक, बीइंग अ पब्लिक यूटिलिटी सर्विस रिक्वायर्स प्रोटेक्शन एंड इन्वेस्टमेंट बाय द गवर्नमेंट। तो क्या होता है, रेलवे क्या प्रोवाइड कर रहा है, एसेंशियल सर्विस प्रोवाइड कर रहा है पब्लिक्स को। किस टाइप की, जैसे पब्लिक यूटिलिटीज़ हो गई, बहुत सारी यूटिलिटीज़ जो पब्लिक को ज़रूरत होती है सर्विसेज की। ठीक है, और क्या कर रहा है, प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर रहा है। ये सब कहाँ से हो रहा है, जो इन्वेस्ट कर रहा है गवर्नमेंट उसके थ्रू ही हमें मिल रहा है। ठीक है, सो ये जो है पहला आपका हो जाता है पॉइंट कि पब्लिक यूटिलिटी सर्विस हमारा रेल ट्रांसपोर्टेशन कैरेक्टरिस्टिक्स है कि हमें दे रहा है, प्रोवाइड कर रहा है एसेंशियल सर्विसेज। दूसरा है मोनोपोली। रेलवे हैव मोनोपोली इन इंडिया। द रेल इन ट्रांसपोर्टेशन इज मैनेज द रेलवे डिपार्टमेंट ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट। नो प्राइवेट ऑपरेशंस अलाउड टू एंटर दिस सेक्टर। ना मोनोपोली क्या हो जाता है कि एक तरीके से बोल सकते हो कि रेलवे एक मोनोपोली है इंडिया में। कैसे? क्योंकि रेलवे रेल ट्रांसपोर्टेशन जो है वो रेलवे डिपार्टमेंट मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से मैनेज किया जाता है। कोई भी प्राइवेट सेक्टर्स अलाउड नहीं है इस ट्रांसपोर्टेशन सेक्टर में, मतलब कोई भी प्राइवेट कंपनीज या कोई भी प्राइवेट चीज़ें अलाउड नहीं है एट दिस स्टेज। मतलब रेलवेज में जो रेलवे डिपार्टमेंट है वो सेंट्रल गवर्नमेंट के थ्रू ही मैनेज होगा। अब बोल रहे हैं, जैसे आज के टाइम की बात करूं तो अब बोला जा रहा है कि रेलवे जो है उसका प्राइवेटीकरण मतलब प्राइवेट हो सकता है, बट अभी चांसेस पता नहीं है। सो वही बोल सकते हो कि इसके पहले के टाइम पे जो देखें तो सेंट्रल गवर्नमेंट ही चलाती थी, तो दैट्स वाई रेलवे जो है मोनोपोली है इंडिया में। ठीक है, नाउ इसके बाद हमारा थर्ड पॉइंट क्या आता है, ह्यूज इन्वेस्टमेंट। ह्यूज इन्वेस्टमेंट मतलब द रेलवे रिक्वायर्स ह्यूज इन्वेस्टमेंट फॉर परचेस ऑफ लैंड, लेइंग ऑफ ट्रैक्स, कंस्ट्रक्शन रेलवे स्टेशन एंड शेड्स, बरिंग ऑटोमोबाइल्स ETC। नो सिंगल इंडिविजुअल कैन अफोर्ड टू मेक ऑल दिस इन्वेस्टमेंट। रेलवे क्या कर रहा है, रेलवे को ह्यूज इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत है। किस चीज़ के लिए? लैंड परचेस करने के लिए, बिकॉज रेलवे को भी तो लैंड चाहिए ना, गवर्नमेंट को भी तो लैंड चाहिए, ट्रैक्स बिछाने के लिए, कंस्ट्रक्शन रेलवे के रेलवे स्टेशंस, शेड प्रोवाइड करना, है ना, ऑटोमोबाइल्स बाय करना। तो ये सब चीज़ों के लिए क्या, ह्यूज इन्वेस्टमेंट की नेसेसरी है। नो सिंगल इंडिविजुअल कैन अफोर्ड टू मेक ऑल दिस इन्वेस्टमेंट। एक सिंगल इंडिविजुअल एफर्ट नहीं कर सकता, सो इसमें ओवरऑल पूरे रेलवे को इन्वेस्टमेंट की नीड किससे है, फ्रॉम द गवर्नमेंट, है ना। अब प्रिविलेजेस क्या होता है, रेलवे रिक्वायर्ड स्पेशल प्रिविलेजेस टू प्रोवाइड इफिशियंट ट्रांसपोर्टेशन सर्विस। तो रेलवे को कुछ इंपॉर्टेंट स्पेशल चीज़ों की ज़रूरत, मतलब स्पेशल अथॉरिटीज़ की ज़रूरत बोल सकते हो, जैसे कि इफिशियंट ट्रांसपोर्ट सर्विस। रेलवे रिक्वायर्स स्पेशल प्रॉपर्टी राइट्स, उसको एक प्रॉपर्टी राइट चाहिए, ठीक है, ताकि वो लैंड खरीद सके, कंस्ट्रक्ट कर सके, ब्रिज और रेलवे लाइंस कंस्ट्रक्ट कर सके, है ना। तो ये हो जाता है, इसके लिए ह्यूज इन्वेस्टमेंट चाहिए। फिफ्थ कैरेक्टरिस्टिक्स है स्पेशल रेट फिक्सेशन। रेट फिक्सेशन क्या होता है, द रेलवे फिक्स सेपरेट रेट फॉर पैसेंजर एंड गुड्स ट्रैफिक। रेलवे क्या करता है, सेपरेट रेट फिक्स करता है किसके लिए, पैसेंजर और गुड्स के लिए, है ना। उसके अकॉर्डिंग अगर वो रेट फिक्स करेगा तभी तो अकॉर्डिंग टू दैट तभी तो रेलवे की कमाई होगी। द सेम रेट आर एप्लीकेबल टू ऑल पर्सन एंड ऑल एरिया ऑफ द कंट्री। सेम रेट हर एरिया में होता है, कोई नहीं कि यहाँ पे ज़्यादा लगेगा यहाँ पे कम लगेगा, हर एरिया में सेम रेट। रेलवे सर्विस आर अवेलेबल टू ऑल द मेम्बर्स और पब्लिक ऑन इक्वल टर्म्स। सो रेलवे सर्विसेज जो है सब मेंबर्स के लिए रहता है और पब्लिक के लिए, सब के लिए, चाहे वो बड़ा हो या छोटा, सबके लिए इक्वल रहेगा, ठीक है। छठा आ जाता है नॉन ट्रांसफरेबिलिटी। नॉन ट्रांसफरेबिलिटी क्या होता है, वंस द रेलवे लाइंस आर लेड डाउन देन दिस ट्रैक्स कैन नॉट बी यूज फॉर एनी अदर पर्पज। सो रेलवे सर्विसेज आर नॉट ट्रांसपोर्टेबल। मतलब अगर यहाँ पे लाइन लेड हो गई किसी भी एरिया में पर्टिकुलर, तो अब उसको कोई भी अदर पर्पज़ के लिए नहीं ले सकता, वो अब रेलवे की ज़मीन हो जाएगी, ठीक है। तो ये रेलवे का नॉन ट्रांसपोर्टेबिलिटी है। तो ये क्या हो गया, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ रेलवे। नाउ अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक क्या है, क्या क्या मेरिट्स और डीमेरिट्स हैं, किसके, आपके
रेलवे ट्रांसपोर्टेशन के। तो रेलवे हैव बॉट अबाउट मैनी पॉलिटिकल एंड सोशल एंड इकोनॉमिकल चेंजेस इन द इंडियन पीपल। सो बहुत सारे चेंजेस रेलवे के थ्रू आए हैं, ठीक है, किसकी लाइफ्स में, हमारी लाइफ्स में। तो पहला है पॉलिटिकल चेंज एडवांटेज। पॉलिटिकल एडवांटेज क्या होता है, जो रेलवे है वो यूनाइटेड हैव यूनाइट द पीपल ऑफ डिफरेंट कास्ट रिलीजन कस्टम एंड ट्रेड्स। अलग अलग कास्ट के लोग, अलग अलग रिलीजन के लोग को यूनाइट करता है रेलवे एक तरीके से, है ना। तो अब क्या होता है, रेलवे के नेटवर्क के कारण, विद द एडिक्वेट नेटवर्क द सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन हैज़ बिकम मोर इजी एंड इफेक्टिव। तो क्या हो गया है, एक तरीके से हमारा जो लाइफस्टाइल है वो बहुत इजी एंड इफेक्टिव हो गया है। तो ये एडवांटेज है। तीसरा क्या, रेलवे हैव कंट्रीब्यूटेड टूवर्ड्स डेवलपमेंट ऑफ नेशनल। देखो अगर रेलवे चल रहा है आज के टाइम पर, तो एक तरीके से हमारे इंडिया डेवलप्ड है ना। डेवलप्ड माइंड, हमारे माइंड में क्या है कि हम लोग को हर साधन अवेलेबल हो रहा है। सो इंडिया एक डेवलप्ड कंट्री में आ रहा है, ठीक है। अब रेलवे क्या कर रहा है, माइग्रेशंस पॉपुलेशंस में भी हेल्प कर रहा है इधर से उधर जाने के लिए, है ना। सो ये एक पॉलिटिकल एडवांटेज हो गया। दूसरा है सोशल एडवांटेज। सोशल एडवांटेज क्या होता है, द फीलिंग ऑफ आइसोलेशन हैज़ बीन रिमूव फ्रॉम इनहेबिटेंट ऑफ इंडिया विलेजेस। जैसे कि बोलते हैं ना, अब इंडियन विलेजेस हो गया, छोटे छोटे विलेजेस में ये साधन, रेलवे का साधन मिलना बहुत बड़ी बात है, क्योंकि उनके पास ये साधन पहले नहीं था। सो एक ये सोशल एडवांटेज हो जाता है उनके लिए सोशली, है ना। अब बाई ट्रेवलिंग टुगेदर इन टू कंपार्टमेंट विदाउट एनी रिस्ट्रिक्शन ऑफ कास्ट एंड फीलिंग ऑफ कास्ट हैज़ डिसअपेयर्ड। सो एक तरीके से ये भी देख सकते हैं कि देखो, एक ही कंपार्टमेंट में हर टाइप के लोग बैठ सकते हैं, चाहे वो कहीं भी किसी भी कास्ट को, किसी भी रिलीजन को। तो ये क्या है, छूत अछूत ये सब की, ये सब भी मिट रहा है, हट रहा है ना। फिर द सोशल आउटलुक ऑफ द मास हैज़ बीन बोर्ड थ्रू रेलवे जर्नरीज। सो अब अगर देखें तो सोशल आउटलुक्स भी इसके कारण हट रहा है ना। अब रेलवे हैज़ मेड इट अर्लियर टू रिच प्लेसेस ऑफ रिलीजियस इंपॉर्टेंस। अब क्या हो गया, रेलवे जो है हर एक पर्टिकुलर पॉइंट में ले जा रहा है। ऐसा नहीं है कि हिंदुओं के मंदिर तक पहुंचा रहा है, बनारस हो गया, काशी हो गया, वहां तक पहुंचा रहा है, तो दूसरे प्लेसेस में नहीं पहुंचाएगा। वो हर प्लेस में पहुंचा रहा है, हर प्लेस की सुविधा दे रहा है, ठीक है, हर टाइप के प्लेसेस में पहुंचा दे रहा है, चाहे वो हिंदू का हो या फिर क्रिश्चियन का या फिर मुस्लिम्स का, जैसे अजमेर हो गया, ये सब पार्ट हो गए, है ना। सो रेलवे क्या कर रहा है, कन्वीनियंट सेफ मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन हमारी कंट्री को प्रोवाइड कर रहा है। नाउ थर्ड पॉइंट है इकोनॉमिक एडवांटेज। इकोनॉमिक एडवांटेज कैसे हुआ, मोबिलिटी ऑफ द पीपल हैज़ इंक्रीज्ड। सो क्या मोबिलिटी, मतलब लोगों का इधर से उधर जाना बहुत ज़्यादा हो गया, ठीक है। जैसे कि छोटे लोग जो, सॉरी, स्मॉल सिटीज़ के लोग हैं वो बड़ी सिटीज़ में जाते हैं, सो विद द हेल्प ऑफ ट्रांसपोर्टेशन वो ईजिली ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं इधर से उधर, है ना। तो उसका एक एडवांटेज है। अब जो लेबर्स हैं वो इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट के लिए इधर से उधर जा रहे हैं, है ना, तो उनको भी एक एडवांटेज मिल रहा है, कम कॉस्ट में इधर से उधर जा पा रहे हैं। अब सो ये क्या है, इकोनॉमिक हेल्प कर रहा है एक तरीके से, फूड क्लोथ्स जो है इधर से एक प्लेस से दूसरे प्लेस तक जाने के लिए, है ना, इंडस्ट्री के ग्रोथ के लिए, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ रॉ मटेरियल के लिए, है ना। वैसे ही क्या है, स्पीड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फिनिश प्रोडक्ट, कैसे आपका जो प्रोडक्ट्स हैं अगर वो ख़त्म हो गए हैं तो कैसे इधर से उधर पहुँचा रहा है। रेलवे प्रोवाइड्स एम्प्लॉयमेंट टू द मिलियन ऑफ द पीपल्स एंड थस हेल्प्स इन सॉल्विंग द अनएम्प्लॉयमेंट प्रॉब्लम। क्या कर रहा है रेलवे, एक तो सबसे पहली बात तो इकोनॉमिक में भी कैसे साथ दे रहा है कि रेलवे खुद भी मिलियन ऑफ द पीपल्स को एम्प्लॉयमेंट दे रहा है, मतलब खुद भी मिलियन ऑफ द पीपल्स को क्या कर रहा है, रोजगार दे रहा है ना। तो ये रेलवे खुद भी मदद कर रहा है ना। लैंड यूज़, जो लैंड वैल्यूज़ हैं वो इंक्रीज़ हो गई है, कैसली, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट। जैसे कि देखो, अगर रेलवे कोई जगह कोई प्रॉपर्टी खरीद लेता है तो उसके आजू बाजू की प्रॉपर्टीज़ के भी रेट्स बढ़ जाते हैं, तो ये क्या हो रहा है, एक लैंड का भी वैल्यू इंक्रीज़ कर रहा है ना। अब कमर्शियल फार्मिंग इज़ वेरी मच हेल्पफुल बाय द रेलवे नेटवर्क थ्रू द कंट्रीज़। नाउ अब देख सकते हो आज के टाइम पे कमर्शियल फार्मिंग भी बहुत ईजी हो गया है विद द हेल्प ऑफ क्या, रेलवेज़, ठीक है। नाउ फॉर टेक्नो इकोनॉमिक एडवांटेज क्या हुआ, टेक्नो एडवांटेज ये हो गया कि कॉस्ट सेविंग एंड ट्रांसपोर्टेशन ऑफ लॉन्ग हॉल बल्क ट्रैफिक, जैसे कि कॉस्ट सेव कर रहा है, ठीक है, ट्रैफिक से बचा रहा है, एनर्जी एफिशिएंसी से बचा रहा है ना, इन्वायरमेंटल फ्रेंडलीनेस हो रहा है, इन्वायरमेंटल फ्रेंडली, ऐसा नहीं है कि हार्मफुल है हमारे इन्वायरमेंट को, हायर सेफ्टी प्रोवाइड कर रहा है, इफ़िशियंट लैंड यूज़ कर रहा है, ज़्यादा लैंड नहीं कर रहा है ना, इफ़िशियंट लैंड यूज़ कर रहे हैं। सो ये क्या हो गया, आपके एडवांटेजेस हो गए। नाउ अब हम एक बार देखते हैं डीमेरिट्स ऑफ रेलवे, रेल ट्रांसपोर्टेशन क्या डीमेरिट्स है। तो सबसे पहले डीमेरिट है ह्यूज इन्वेस्टमेंट, ज़्यादा अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट लग रहा है एट द स्टार्टिंग, क्योंकि ये प्राइवेट कंपनीज को नहीं दे रहा है, तो इसका जो इन्वेस्टमेंट है सिर्फ गवर्नमेंट कर रही है।
सो ये ह्यूज इन्वेस्टमेंट गवर्नमेंट की तरफ से हो रहा है, प्राइवेट को प्राइवेटाइजेशन ये कर ही नहीं रहा है, ठीक है। सो इस कारण सबसे पहला डिसएडवांटेज ये हो गया। दूसरा, लेस फ्लेक्सिबिलिटी। रेलवे ट्रांसपोर्टेशन में लेस फ्लेक्सिबिलिटी है, कैसे? क्योंकि फिक्स रूट, एक रूट को फिक्स कर लिया है तो उसी रूट से जाना है, वो चेंज नहीं कर सकता, है ना। एक्सपेंसिव रिपेयर एंड मेंटेनेंस, जो रिपेयर और मेंटेनेंस है वो ज़्यादा है। अगर आप देख के चलो तो रेलवे इसके जो सामान लग रहे हैं, या रेल हो गया, ट्रैक हो गया, एनीथिंग, उसको रिपेयर करने में ज़्यादा अमाउंट लग रहा है ना। अनसुटेबल फॉर लाइट गुड्स एंड मटेरियल्स फॉर शॉर्ट डिस्टेंस। अब लाइट गुड्स और मटेरियल्स जो है शॉर्ट डिस्टेंस के लिए ले जाना है तो उनके लिए थोड़ा सुटेबल नहीं है ज़रूरी, क्योंकि ज़्यादातर उस लोग यूज़ नहीं करना चाहेंगे, ठीक है। नो डोर डिलीवरीज ऑफ गुड्स। अब देखो रेलवे क्या करता है, एक स्टेशन से दूसरे स्टेशन आपकी डिलीवरी कर रहा है, ये आपको कहाँ घर तक डोर डिलीवरी नहीं दे रहा है, जो कि आपको उसमें मिलेगा, रोडवे ट्रांसपोर्टेशन में मिलेगा, वो फैसिलिटी नहीं मिलेगी। सो ये एक थोड़ा सा डीमेरिट्स हो जाता है। सो यहाँ तक आपका था क्या, मेरिट्स डीमेरिट्स ऑफ रेल ट्रांसपोर्टेशन। ना हम रेलवे ट्रैक्स के क्रॉस सेक्शन देखेंगे, ठीक है। सो पहला आप अगर फिगर देख रहे होंगे, सो ये क्या है, क्रॉस सेक्शन ऑफ बीजी, मतलब ब्रॉड गेज। बीजी मतलब ब्रॉड गेज ट्रैक होता है, ठीक है। तो एम्बैकमेंट में कैसे बना हुआ है, एम्बैकमेंट मतलब नीचे की ओर, ठीक है। सो इसमें साइजेस डिफरेंट, आप अगर अपनी बुक्स में देखेंगे तो आपको डिफरेंट साइजेस दिख जाएंगे, सॉरी मेजरमेंट्स दिख जाएंगे, डायमेंशंस दिख जाएंगे कि रेल ट्रैक के बीच की दूरी कितनी है ब्रॉड गेज के लिए। और ये स्पेसिफिक है, स्पेसिफिक है मतलब अगर ब्रॉड गेज हम स्ट्रेट ट्रैक यूज़ कर रहे हैं तो यही होगा, है ना। 3.54 मीटर है साइड टू साइड का। फिर स्लीपर्स जो है, स्लीपर्स का है 2.7 मीटर एंड 1.7 मीटर रेल्स ट्रैक जो होते हैं ट्रैक के बीच की दूरी है ना। वैसे ही नीचे के पूरे डायमेंशन दिए हुए हैं, वैसे ही सेम चीज़ अगर मैं देखूँ सेकेंड वाले डायग्राम में, क्रॉस सेक्शन ऑफ ब्रॉड गेज ट्रैक इन कटिंग फॉर डबल लाइन। अगर ये जो है देखो, पहला वाला जो था एम्बैकमेंट के लिए था, ठीक है, डायमेंशंस। नाउ सेकंड वाला जो है क्या है, कटिंग के लिए, कटिंग डबल लाइन। डबल लाइन मतलब ये सिंगल स्ट्रेट लाइन के लिए था, डबल लाइन मतलब दो लाइंस एक आजू बाजू बिछी हुई और कटिंग में प्रोवाइड किया गया है, मतलब अंदर की ओर। एम्बैकमेंट मतलब ऊपर की ओर प्रोवाइड किया जाता है, कटिंग मतलब सतह से थोड़ा नीचे की ओर प्रोवाइड किया जाता है, ठीक है। सो देख सकते हो आप लोग डायग्राम में दिख रहा होगा, कटिंग से नीचे की ओर प्रोवाइड किया गया है, साइड्स में ड्रेन प्रोवाइड किए गए। इसका भी मेजरमेंट सेम रहता है, एस मेजरमेंट ट्रैक का, स्लीपर्स का और उसके फॉर्मेशन का सेम रहेगा, कोई अलग नहीं रहेगा, बस साइड्स के पाथ में चेंजेस आएंगे। नाउ द थर्ड डायग्राम जो देख रहे होंगे उसमें शो कर रहा है क्रॉस सेक्शन ऑफ ब्रॉड गेज ट्रैक फॉर सिंगल लेन। इसमें क्या दिखा रहा है, क्रॉस सेक्शन जो है ब्रॉड गेज का सिंगल लेन के लिए, ठीक है। सो आप देख सकते हो सिंगल लेन के लिए, ये जो आपका टिल्ट हुआ है, ये टिल्ट जो हुआ है ये मोड़ के लिए जो दिखा रहा है आपका, जैसे टेढ़ा बना हुआ है, मोड़ में आप सीधा प्रोवाइड नहीं कर सकते हो, आपको थोड़ा कर्व, अगर आपका पाथ कर्व है तो कर्व ट्रैक प्रोवाइड करना पड़ेगा, ठीक है। उसको स्लैक गेज बोलते हैं, जो आपका बीच वाला डिस्टेंस रहता है, और ये कटिंग में प्रोवाइड हुआ है। नाउ इसके बाद का पॉइंट देखते हैं, जो मतलब सॉरी डायग्राम देखते हैं, यह है क्रॉस सेक्शन ऑफ ब्रॉड गेज ट्रैक फॉर डबल लाइन विथ इलेक्ट्रिक ट्रांजेक्शन। अब ये देखो, पहले के टाइम पे कोयले से चलता था, अब इलेक्ट्रिसिटी से चलता है। सो कैसे हमने इलेक्ट्रिक ट्रांजेक्शन प्रोवाइड किया है डबल लाइन में, वो दिखाया जा रहा है इस डायग्राम में, ठीक है। सो दोनों ओर स्लीपर्स हैं, ठीक है, गेजेस हैं, प्रोवाइड किए गए हैं। अब ऊपर में देख सकते हो आप, इलेक्ट्रिक के लिए ट्रैक स्ट्रक्चर दिया गया है, साइड्स में पूरे स्ट्रक्चर हैं आपके, है ना। उसका फाउंडेशन प्रोवाइड किया गया है, स्लोप प्रोवाइड किया गया है, ब्लास्ट क्रशिंग नीचे डाली गई है। अब इन सब की साइजेस भी मैटर करती हैं, जो 3.12 मीटर ये जो है डिस्टेंस है, ठीक है। सो ऊपर से आपको प्रोवाइड किया जाएगा केबल, केबल कनेक्ट को जो मतलब कनेक्ट करेगा किससे, रेलवे से, रेल से आपके, मतलब रेल से, है ना। सो ये जो है क्रॉस सेक्शन ऑफ ब्रॉड गेज फॉर डबल लाइन एंड इलेक्ट्रिक ट्रांजेक्शन है। ना उसके बाद देखते हैं क्रॉस सेक्शन ऑफ ब्रॉड गेज ट्रैक फॉर डबल लाइन इन कटिंग। सो कैसे क्रॉस सेक्शन प्रोवाइड किया गया डबल लाइन कटिंग में, कटिंग मतलब कर्व ट्रैक में, तो दोनों का दोनों एक तरफ झुका हुआ है, ये एलिवेशन, सुपर एलिवेशन इसको बोलते हैं। अगर ये प्रोवाइड नहीं किया जाएगा तो गाड़ी का चक्का जो है रेलवे ट्रैक से बाहर की ओर निकल जाएगा मोड़ में। सो इसलिए ज़रूरी है कि सुपर,
सुपर एलिवेशन कर्व्स की ओर में प्रोवाइड किए जाएँ, बहुत ज़रूरी है ना, बिकॉज सुपर एलिवेशन जो है सेंट्रिफ्यूगल फोर्स को रोकता है एंड आपकी जो गाड़ी के चक्के हैं उन्हें बाहर की ओर जाने से रोकता है ना। सो कर्व में बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि आपका ये प्रोवाइड किया जाए जिससे आपकी जो ट्रेन है वो अपने रूट से बाहर की ओर ना निकले। सो ये था रेलवे ट्रैक का क्रॉस सेक्शन। नाउ आगे का हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। थैंक यू।